अरे जिसका दम हो वही जीतेगा, उसमें क्या है। लहर सिर्फ दिल्ली में एक ही इंसान की है, केजरीवाल की है, और क्या। जैसा आदमी है ही नहीं कोई, जिन्होंने पब्लिक के लिए बहुत अच्छा किया है। शौचालय फ्री किए हैं, सड़कें बढ़िया बनाए, लाइट फ्री करी है, पब्लिक के बारे में मैं जो महिला सीट फ्री करी है, टिकट आज तक चल रही है उनके, सब उनकी देन है। इस समय जो दिल्ली में सियासी हलचल है उसको लेकर अलग अलग पार्टियों ने, अलग अलग विपक्ष ने, ऑपोजिशन ने तमाम बयानबाजी की है। बयानों में बताया किस तरह से जो अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है उसको गलत भी ठहराया गया कई जगहों पर, कई जगहों पर बताया गया कि उन्होंने इस्तीफा सही दिया है। लेकिन जानना ये होगा कि आखिर दिल्ली की जनता के मन में क्या है, दिल्ली की जनता आखिर आगामी विधानसभा चुनाव में किसको जिताएगी, आखिर दिल्ली की जनता के हिसाब से कौन सही और कौन गलत है, क्योंकि आखिर में मतदाता ही हैं जो पार्टी को बनाएंगे और बिगाड़ेंगे। तो देखना ही होगा कि आखिर दिल्ली की जनता इस बारे में क्या सोचती है। तो आइए बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर आपकी बार विधानसभा चुनाव में किसकी लहर देखने को हमें मिल सकती है। नए मुख्यमंत्री आपकी शुभम की दिल्ली की, क्या कहेंगे। सही है, कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया, सही किया। अब ये चीज क्या कैसे बता सकते हैं, इस्तीफा दे दिया सही है या गलत है। जनता की नजरों में आपको मुख्यमंत्री अच्छे लगते थे। सही लगते थे। अभी ये चीज को ऐसे तो आम आदमी का, हाँ जी। आप क्या कहेंगे सर, कौन जीतेगा आम आदमी विधानसभा में। अरे जिसका दम हो वही जीतेगा, उसमें क्या है। क्या लग रहा है, किसकी लहर है। लहर सिर्फ दिल्ली में एक ही इंसान की है, केजरीवाल की है, और क्या। तो नई मुख्यमंत्री आतिशी बन गई, क्या कहेंगे। अच्छी बातें बन गई, तो उसमें क्या है। और क्या सही हुआ, जो अभी वो दिए हैं तो वापस चुनाव लड़ेंगे कहीं ना कहीं से। तो जी बोला भाई ने, जैसे भी है, जैसी लहर चल रही है आज के टाइम में केजरीवाल जी की, तो बहुत ही अच्छा हो रहा है मामला। चर्चा जो चल रहा है आज के टाइम में, यही मामला है। बिल्कुल। देखो इस चीज़ का डिसीजन ले नहीं सकते, लेकिन जो कुछ भी है, जो कुछ भी निर्णय हुआ है, वो फैसला जो कुछ भी हुआ सही हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने अपने आप इस्तीफा दिया है, उनको किसी गहरा नहीं, उनकी मर्जी से बने वो तो। लेकिन आतिशी को बनाना सही था क्या, जो अभी दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं उसमें कितना असर पड़ेगा। वो तो बहुत असर पड़ेगा, वो तो बीजेपी क्या सोच रहे हैं। बीजेपी को क्या बताएं, जैसे भी कर रहे हैं सब ठीक कर रहे हैं। नई सीएम मतलब हम समझे। अच्छा केजरीवाल क्यों हटा दिया गया उनको, अपने आप ही दे दिया। केजरीवाल तो बहुत बढ़िया आदमी था, अच्छा था। तो आप आतिशी मुख्यमंत्री बन गए दिल्ली। अच्छा जी, तो ठीक है, बढ़िया। अगर उनकी इच्छा से हुई तो ठीक है, नहीं तो नहीं। केजरीवाल जैसा आदमी है ही नहीं कोई, जिन्होंने पब्लिक के लिए बहुत अच्छा किया है। शौचालय फ्री किए हैं, सड़कें बढ़िया बनाए, लाइट फ्री करी है, पब्लिक के बारे में मैं जो महिला सीट फ्री करी है, टिकट आज तक चल रही है उनके, सब उनकी देन है। कांग्रेस तो बढ़िया भाई, ठीक है, जब उनकी आम वो पार्टी है तो बढ़िया। कैसी लगती कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी। क्या लगती है? अच्छी लगती है, सही लगती है। अच्छा, नई मुख्यमंत्री दिल्ली की आतिशी बन गई, क्या कहोगे। मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, मगर गलत है ना, केजरीवाल सही था। हाँ, मैंने देखा ही नहीं उन्हें अभी, तो मैं क्या बताऊँ। अच्छा, क्या लगता है इलेक्शन आएंगे तो उसमें कौन जीतेगा, आम आदमी या बीजेपी। आम आदमी जीतेगी। जैसा कि आपने देखा, जनता की नजरों में इस समय जो ये बड़ा बदलाव दिल्ली सरकार में आया वो सही माना जा रहा है। जनता कह रही है कि आतिशी को अपने नए मुख्यमंत्री के रूप में अपनाने को तैयार रहे, और साथ ही में बताया जा रहा है कि जनता ये सोचती है कि जो अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है वो इस्तीफा सही किया है देकर, और ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में भी इस समय जनता की नजरों से आम आदमी पार्टी की लहर इस समय दिल्ली में बताई जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर आपको क्या सोचना है हमें जरूर बताएं। तब तक ले बने रहे मेरे साथ पंजाब केसरी में, कैमरा पर्सन विकी के साथ खुश रहना पंजाब केसरी दिल्ली। We'll be right back.